सारा प्रोग्राम रोक दो, सब जिनके पास सफलता है उनके पास बाहर है। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। 10 किलोमीटर के अंदर जो भी काम है वो साइकिल पे करो। तुम में भी मैं हूँ, तुम्हारी सोच उल्टी हो गई। उल्टी सिंपल रहो यार, साधारण सिंपल। कम से कम माता अपने पिता का कम से कम पैसा खर्चा कराओ अपने ऊपर। अगर खुद से कमा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप पिताजी से उतना पैसा लो जितनी तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा मत लो। सारा प्रोग्राम रोक दो, सब शैंपू अगर तुम्हारे बाल में लगता है तो सेव करा के रखो। क्या जरूरत है, कौन स्वयंवर में जा रहे हो अभी? लड़कियां का तो खैर एक अपवाद है, लड़कों की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बाल, क्योंकि स्ट्रेस है ना, बाल झड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हटाओ, छोटे छोटे करा लो, कैप लगाया करो। एक कैप साल भर चल जाती तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहां तक बाल रखा ना, अभी क्यों रखा हो? अभी कौन तुम्हें देखने आ रहा है? साइकिल से आओ, एक टाइम बढ़िया खाना खाओ दोपहर में, एक टाइम हल्का फुल्का खा लो, चना रोस्टेड रख लो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। फूड हैबिट को अपने मेंटेन करो। तुम इस दिमाग को इतना मिसयूज करते हो ना, किसी की फॉर्च्यूनर देख रहे हो, किसी की घड़ी देख रहे हो, किसी का मकान देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? तुम जब खाली बैठे हो तो आसमान देखो, वहां एक गैलेक्सी है, उसको लेना है। तुम जो इतने उलझे हो ना बाहर छोटी छोटी चीजों में, इसलिए महान विचारों से वंचित हो। न्यूटन बैठा ही तो है लॉन में, बहुत लोगों के सामने सेब गिरा होगा, वो उठा के खा लिए होंगे। ऐसा थोड़ी कि उसी के सामने सेब गिरा, बहुत लोगों के सामने गिरा होगा, उठाया, धुला, काटा, खा लिया। उसने सोचा नीचे ही क्यों गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पैदा हो गया। सोचना ही तो है, थॉट ही तो आता है। आ गया कोई शानदार थॉट, बता दिया तुमने मोदी जी को, 24 में फिर आ गई 480 सीट, तुमको प्रेसिडेंट बना दिया। वो चाड़ा की कुटिया में रहता है, सोचता है सही डायरेक्शन। तुम्हारी सोच उल्टी हो गई। उल्टी यार, बस अच्छा जूता नहीं है। अच्छी बात है, तुम जितना सिंपल रहो कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा है। सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे, क्यों क्यों पूछे तुमसे। उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना, ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5-स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं, एक कप चाय पी लो 250 रुपए की, वहां का एम्बियंस अच्छा होता है, और अच्छा होता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। सिंपल रहो यार। तुम दुखी होते हो ना कि इस वक्त तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला, भाई साहब बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है नहीं। अगर तुम भगवान के आशीर्वाद से अमीर घर से बिलोंग करते हो तो भी बहुत कम पैसा अपने पास रखा करो।
पैसा रखा ही मत करो, रखा ही मत करो। पैसा नहीं रहेगा कोई तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। लोग ज्यादा साथ में रहते हैं, उधार मांग लो। दो दो चार चार पांच पांच हजार मांग लो, लौटाओ ही मत। कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। हम इलाहाबाद में थे, पैसा आता था 4 तारीख को खत्म, 1 तारीख को आता था, 4 को खत्म। ब्रजेश भाई चाय वालों को दे दिया, सुरेश पान वाले को दे दिया, सबका खाता चलता था ना। सब्जी वाले को पैसा दे दिया, खत्म, मेस में दे दिया, 4 तारीख की शाम को खाली। फिर पूरे महीने पढ़ाई छोड़ के करना क्या, पैसा है ही नहीं। उसमें कोई सीनियर उनियर आता था, पुराना सिलेक्टेड सीनियर, या घर से कोई और रिश्तेदार आ गया, वो एक्स्ट्रा पैसा दे गया 2-4-500 रुपया, उसमें अय्याशी होती थी। इलाहाबाद में सिनेमा हॉल था, पैलेस सिनेमा हॉल, उसकी टिकट थी 10-11 रुपए मूवी की, तो रात में 9 से 12 आते थे। एक साइकिल पे 3 लोग बैठ के जाते थे, 11 रुपए की टिकट आगे वाली, और आगे पैर और सिगोड़ के बैठ के अपना आराम से। उसको हम लोग बहुत अय्याशी मानते थे, बड़ा मजा आया यार। तुम्हारे मां बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, तो 3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो, तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं कि कौन बोझ बनाए यार अपने सर पे। पढ़ो अकेले मस्ती में, तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा लगा के फॉर्च्यूनर से आते हो, जिनके पास सफलता है उनके पास बाहर है। पान मसाले का ऐड है, गीता की एक लाइन का ऐड है पान बाहर में, वो ग्रीन पार्क की तरफ जाओगे बहुत बड़ी होर्डिंग लिखी लगी है, उस पर लिखा है तुम में भी मैं हूं। सब मत क्या करो, गुटका उठका, बाइक वाइक से मत चला करो, 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो, पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। बाइक वाइक से मत चलो, साइकिल खरीद लो, 24-22 इंच की साइकिल पे चलो। मैं सीरियसली मैं कह रहा हूं, साइकिल पे चलो। 3-4 बीमारियां तो तुम्हें हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है, डेली 10-15-20 किलोमीटर साइकिल चलाओगे अपने आप एक्सरसाइज होगी। 10 किलोमीटर के अंदर जो भी काम है वो साइकिल पे करो, बाइक छोड़ दो, चाहे जिस भी घर गए हो। कार वार से तो बारिश वारिश हो रही तो आ जाओ कार पे, ऐसा नहीं कि बारिश हो रही भीगते हुए चले आए। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कम आएंगी तुम्हारे चारों तरफ। समाज